हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन जबियोस ऑनलाइन। पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था हाइट एंड डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका आपका डेफिनेशन मैंने बताया था। एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स थे वो मैंने कवर किया था, एंड एक्सरसाइज 9.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का कंप्लीट आपका सॉल्यूशन मिला था। आई होप आप उस वीडियो को पूरा देखे होंगे। अगर आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। एंड उसके बाद आज हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो आप वीडियो को पूरा देखिए एंड अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है। देखिए ये जो शीट है इसमें आपके क्वेश्चन का लिस्ट है, ठीक है, इसलिए आपके क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाती है एंड यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, उसका बॉटम और जो आपका टॉप है उसका आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और उसके बाद पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है। तो क्या करते हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए ये कप का प्लेन है तो कहीं पर भी एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हमने माना, ठीक है, और इसी से आपका हॉरिजेंटल लेवल में एक कहीं से पॉइंट है, इस पर एक टावर खड़ा है, ठीक है, ये आपका क्या है, फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक एक 20 मीटर का बिल्डिंग खड़ा है और इसके ऊपर यहाँ से आपका क्या है, कोई ट्रांसमिशन टावर खड़ा है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, और जो ट्रांसमिशन टावर है इसका आप बी सी मान लीजिए टॉप का। तो इस पॉइंट से इसका टॉप का और बॉटम का, ये बॉटम हो गया, ये आपका टॉप हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन, बॉटम का जो है वो 45 डिग्री है, ये ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये आपको दिया है 45 डिग्री। इस पॉइंट से ये जो टावर है, ठीक है, इसके ऊपर आपका बी सी नाम का कोई एक ट्रांसमिशन टावर खड़ा है। एक हमारे पास एक पी मान लीजिए पॉइंट है, ए बी क्या है बिल्डिंग है, बी सी उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर खड़ा है, और इस टावर का इस पॉइंट से, टावर का जो बॉटम है बी उसका पॉइंट बी से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री है, और टावर का टॉप जो कि सी है इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका 60 डिग्री है। ओके, ये था क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, बी सी, मुझे बी सी का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लीजिए इन फिगर लेट ए बी बी द बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर, ठीक है, ये आपका क्या है बिल्डिंग है 20 मीटर का, बी सी बी द टावर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन We have to find, क्या find करना है, बी सी आपको find करनी है, ठीक है। P is a point on ground, okay। तो आपको बी सी find करना है, तो क्या करते हैं, आपके पास दो triangle, that is ए बी पी और ए सी पी, दो ट्रायंगल में हम इक्वेशन लेंगे फिर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा। सबसे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ए बी पी से, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी, क्या होगा ए बी पी में देखिएगा, तो ये जो एंगल बन रहा है ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री बन रहा है, तो क्या लिखिएगा, दैट इज टेन 45 डिग्री इजकल टू क्या होगा, ए बी बाई ए पी। ओके, यहाँ से आपको क्या निकल के आया, 1 इजकल टू ए बी बाई ए पी, तो यहाँ से निकल के आया ए बी इक्वल ए पी, ठीक है, और ए बी का वैल्यू जो है आपको कितना दिया हुआ है 20 मीटर, देयरफॉर लिखोगे ए पी इजकल टू 20 मीटर, ये आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, दैट इज इन ट्रायंगल ए सी पी, अब लीजिए नेक्स्ट ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए सी पी क्या होगा, 1060
टेन 60 डिग्री इक्वल ए सी बाय ए पी, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री इक्वल टू ए सी को आप ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्ट ए बी एंड प्लस बी सी एंड बाय ए पी। ओके, तो आप ए पी का वैल्यू आपका यहाँ से आया हुआ है दैट इज 20 मीटर, तो आप लिखिए क्या रूट थ्री इक्वल ए बी की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए दैट इज 20 एंड प्लस बी सी एंड बाय 20, ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या होगा 20 रूट थ्री इजिकल टू 20 एंड प्लस बी सी। अब 20 को आपका राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में ले आइए तो क्या होगा 20 रूट थ्री माइनस वन इजिकल टू बी सी, ठीक है, तो बी सी इजिकल टू क्या होगा, या तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए या इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है, तो आपका 20 रूट थ्री माइनस वन क्या मीटर, ठीक है, यही हो गया आंसर। अगर इसका आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट थ्री की जगह पे 1.373 डाल दीजिए फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन था ये क्वेश्चन नंबर 7, ये था क्वेश्चन नंबर 7, है ना, एन सी ई आर टी एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10, ठीक है, टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस ये था। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग के सामने, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है लगभग लगभग उसी टाइप का, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, इसको जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। सबसे पहले एक पेडेस्टल का निर्माण कीजिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक पेडेस्टल है दैट इज ए एंड बी, ठीक है, ये इस टाइप का थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये पेडेस्टल हमने मान लिया, ठीक है, इसके ऊपर आपका 1.6 मीटर टॉल का एक स्टैचू खड़ा है, तो इसके ऊपर मान लीजिए ये है आपका 1.6 मीटर का स्टैचू कोई खड़ा है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब मान लीजिए इसी के लगभग में कोई यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज पी, और इससे इस स्टैचू का जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज 60 डिग्री, ये आपका क्या है 60 डिग्री है, ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अभी पेडेस्टल का टॉप क्या ये है, तो इससे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 45 डिग्री, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपका इसका हाइट पूछा हुआ, देख रहे हैं लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है, वहाँ पे आपका इसका हाइट दिया हुआ था ये फाइंड करना था, यहाँ पे इसका हाइट दिया हुआ ये फाइंड करना, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको अभी हम सेम तरह से सॉल्व करेंगे, एक बार लिख लेते हैं, लेट क्या लिखेंगे, लेट ए बी बी द पेडेस्टल, ठीक है, पी इज पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है, बी सी बी सी बी द स्टैच्यू ऑफ, यहाँ पे इन फिगर कर लीजिए, बी द स्टैच्यू ऑफ 1.6 मीटर, राइट, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ए बी, ए बी बी द, ठीक है, फाइंड ए बी, ओके, ये फाइंड करना है आपका, तो क्या करते हैं, यहाँ पर भी आपका दो आपका ट्रायंगल बन रहा है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दैट इज ए बी पी से, तो सॉल्यूशन में आप लिखना स्टार्ट कीजिए इन ट्रायंगल ए बी पी क्या होगा 10 45 डिग्री इक्वल ए बी बाय ए पी, ठीक है,
तो यहाँ से आप वन इजकल टू क्या होगा, ए बी बाय ए पी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका ए बी इजकल टू ए पी, इसको यहाँ पे रहने दीजिए। ओके, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए सी पी, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, दैट इज ए सी पी, टेन 60 डिग्री इक्वल ए सी बाय ए पी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, रूट थ्री इजकल टू ए सी क्या है आपका, ए बी एंड प्लस बी सी एंड बाय ए पी, ए पी राइट। तो ए बी तो आपको मालूम ही करना, ठीक है। तो इस ए पी की जगह पर आप ए बी पुट कर सकते हैं यहाँ से आपका, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज रूट थ्री इजकल टू ए बी एंड प्लस बी सी आपको दिया हुआ दैट इज 1.6, अब बाय ए पी की जगह पे आप ए बी रख दीजिए यहाँ से, चूँकि मुझे ए बी इजकल टू ए पी फाइंड है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज ए बी रूट थ्री इजकल टू ए बी प्लस 1.6। ओके, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, फिर से आप ए बी को इधर ले आइए, दैट इज ए बी रूट थ्री माइनस वन इजकल टू 1.6। तो ए बी इजकल टू क्या होगा, देखिए ए बी इजकल टू 1.6 बाय रूट थ्री माइनस वन, या तो ऐसे रहने दीजिए या इसको और थोड़ा सा कर लीजिए। क्या कीजिए आप, ए बी इजकल टू क्या लिखेगा, 1.6 बाय रूट थ्री माइनस वन है ना, इसको आप रैशनलाइज कीजिए, दैट इज रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे होगा रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री प्लस वन, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। वैल्यू क्या आ गए, दैट इज 1.6, ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन बाय ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रूट लिख सकते हैं, दैट इज रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, तो क्या होगा, दैट इज 1.6 रूट थ्री प्लस वन बाई थ्री माइनस वन दैट इज टू, ये आप कट कर दीजिए, दैट इज क्या होगा 0.8 रूट थ्री प्लस वन, ये आपका होगा ए बी इक्वल, ठीक है। यही है मेरे पास सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आ गया आपका किसका वैल्यू, ए बी का, दैट इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। दिस इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक आपका बिल्डिंग दिया हुआ, एक टावर दिया हुआ, दोनों का आपका कुछ एंगल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक हॉरिजन एक जो है ना, आप यहाँ से मान लीजिए ये बिल्डिंग है और इसी का जो फुट है, इसी के लगभग में ये मान लीजिए टावर है, इसका हाइट आपको दिया हुआ है दैट इज़ 50 मीटर। तो ये मान लेते हैं दैट इज़ ए बी, ये बिल्डिंग हो गया और ये सी और डी क्या हो गया, टावर हो गया, ठीक है। ये हो गया जिसका आपको दिया हुआ। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अब ये बिल्डिंग का टॉप है, इसके फुट ऑफ द टावर, ये मान लीजिए फुट ऑफ द फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, और फुट ऑफ द टावर जो है इससे इसका जो बिल्डिंग का है, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री, ठीक है। If the tower is find the height of the building, ये आपको बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं let let a be the building in
फिगर, ठीक है, ए बी बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, ठीक है, ये हो गया, एंगल जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ए बी, ए बी मुझे फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं, यहाँ से इन फिगर क्या लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, हम मान लीजिए, मान लेते हैं दैट इज ये डी सी बी, हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज इन ट्रायंगल डी सी बी क्या होगा, टेन 60 डिग्री इजकल टू डी सी बाय बी सी, ओके। तो यहाँ से आप रूट 3 इजकल टू डी सी का वैल्यू दैट इज 50 एंड बाय बी सी, ओके। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, दैट इज बी सी इजकल टू 50 बाय रूट 3 मीटर, ये आपका बी सी का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, 10 30, 10 30 डिग्री इजकल टू ए बी बाय बी सी, 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या, 1 बाय रूट 3 इजकल टू ए बी, अब बाय बी सी की जगह पे जो वैल्यू आई है वो आप पुट कर दीजिए, दैट इज 50 बाय रूट 3, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या होगा, ये रूट थ्री जो है ना यहाँ चला आएगा, दैट इज 1 बाय रूट 3 इजकल टू रूट 3 ए बी बाय 50, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या होगा, रूट थ्री से रूट थ्री, दैट इज 3 ए बी इजकल टू 50, तो ए बी इजकल टू क्या होगा, दैट इज 50 बाय 3 मीटर, या आप इसको लिख सकते हैं दैट इज 16 होल 2 बाय 3 मीटर, यही हमारा क्या ए बी, और यही हमें क्या करना, फाइंड करना, ठीक है। तो हमें ए बी फाइंड करना था, ए बी का वैल्यू आ गया, इसको आप डिसमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लीजिए, एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। दो पोल हैं जो कि इक्वल हाइट का है, ठीक है, एक रोड है उसके दोनों बगल जो है वो खड़ा है, मान लेते हैं कि एक पोल जो है दैट इज दिस, और ये मान लीजिए रोड, और एक पोल दिस, ये मान लीजिए दैट इज ए बी, और ये सी और डी, ठीक है, ये पोल हो गया, आपको दिया गया है ये 80 मीटर वाइड है, इसी के बीच में कहीं से कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ये देखिए, ये आपको दिया है मान लीजिए 60 डिग्री, और ये दिया है मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। इस जो बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P मानते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसका डिस्टेंस कुछ मान लेगा, लेट हम इसका जो है ना, हम मान लेते हैं दैट इज x, तो ये जो होगा दैट इज 80 माइनस एक्स, ओके। और दो ए बी है, तो हमें क्या करना है, फाइंड सी डी या ए बी फाइंड करनी है, ठीक है। लेट क्या लिखते हैं, इन फिगर लेट ए बी इक्वल सी डी इजकल टू टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, हाइट, ओके, एंड बी सी, बी सी इजकल टू रोड ऑफ
80 मीटर, ठीक है। पी इज अ पॉइंट बिटवीन टू एंड पॉइंट ऑफ रोड, ठीक है। लेट से बी पी इक्वल एक्स, देयरफॉर पी सी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ओके, सो वी हैव टू फाइंड ए बी और सी डी एंड बी पी एंड पी सी, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, किसी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किस ट्रायंगल से, दैट इज ए बी पी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी में स्टार्ट कीजिएगा तो क्या होगा, टेन थर्टी डिग्री, टेन थर्टी डिग्री इजकल टू ए बी बाय बी पी, ठीक है। तो टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू डली, वन बाय रूट थ्री इजकल टू ए बी बाय बी पी, आपका क्या है एक्स, तो यहाँ पे लिखिए दैट इज एक्स इजकल टू ए बी रूट थ्री, ठीक है। ये रहने दीजिए ऐसे ही, ओके, ए बी रूट थ्री, ओके, या आप कर लीजिए ए बी, ए बी इजकल टू एक्स बाय रूट थ्री, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट ट्रायंगल से। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल, दैट इज पी सी डी से। इन ट्रायंगल पी सी डी क्या होगा, टेन 60 डिग्री, जब ये टेन 60 डिग्री देंगे दैट इज डी सी बाई पी सी, क्या होगा, दैट इज डी सी बाई पी सी। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दैट इज रूट थ्री, तो यहाँ पे आप डालिए रूट थ्री इजकल टू डी सी एंड बाई पी सी, तो क्या होगा, डी सी को आप ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए आप दैट इज ए बी एंड बाई पी सी को आप 80 माइनस एक्स लिखिए, दैट इज होगा आपका 80 माइनस एक्स, गॉट इट, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ए क्या होगा, 80 माइनस एक्स इंटू रूट थ्री इजकल टू ए बी का जगह पे आप ए बी होगा, ए बी का जगह पे आप एक्स बाय रूट थ्री लिख दीजिए, ठीक है, चूँकि ए बी का वैल्यू जो है आपका यहाँ से लिख सक डाला हुआ है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दैट इज थ्री, ठीक है। 80 माइनस एक्स इजकल टू एक्स, तो क्या होगा, 240 माइनस थ्री एक्स इजकल टू एक्स, अब इस माइनस थ्री एक्स को राइट साइड ले जाइए, दैट इज 240 इजकल टू एक्स प्लस थ्री एक्स, तो क्या होगा, दैट इज फोर एक्स इजकल टू 40, एक्स इजकल टू क्या होगा, 240 बाई फोर, ओके। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, दैट इज कट कर दीजिए, तो एक्स इजकल टू 60 मीटर, ओके। एक्स हमने किसको माना था, दैट इज बी पी का, तो बी पी आ गया आपका यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए दैट इज बी पी इजकल टू एक्स इजकल टू 60 मीटर, एंड पी सी आपको निकालना है, दैट इज़ पी सी इजकल टू 80 माइनस एक्स इजकल टू 80 माइनस 60, दैट इज़ 20 मीटर आ गया। उसके बाद आपको ए बी निकालना है, तो ए बी का जो वैल्यू होता है दैट इज एक्स बाई रूट थ्री, यहाँ से आपने लिखा हुआ है ये, अब इसका डाल दीजिए यहाँ से, आप इसको इक्वेशन बना के भी डाल सकते हैं, ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, दोनों में कोई इश्यू नहीं होती है, ठीक है। ए बी इजकल टू एक्स बाय रूट थ्री, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना है, दैट इज 60 इक्वल 60 बाय रूट थ्री, तो ए बी इजकल टू क्या होगा, दैट इज 20 रूट थ्री मीटर, ठीक है। सो लिख दीजिए यहाँ पे आंसर आ गया, ए बी आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए, सो
ए बी इजकल टू क्या सी डी इजकल टू 20√3 meter, ये इसका आंसर आ गया है ना, दैट इज द हाइट ऑफ द पोल। यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज द हाइट ऑफ पोल, ठीक है। और जो डिस्टेंस है आपका 20 मीटर और 60 मीटर आपको ऊपर ने अपने फाइंड कर लिया है, ठीक है। इस ढंग से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 degree फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 meter अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 degree। देखिए क्या है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। एक मान लीजिए बैंक है, कोई भी कैनाल है ना, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कैनाल है, ठीक है, जहाँ के पानी बह रहा है। इसके इस बैंक पे एक टीवी टावर खड़ा है ये, ठीक है। दिस इज मान लीजिए ए एंड दिस इज बी, ये इसका फुट है और इसका टॉप है, ओके। डायरेक्टली अपोजिट टावर, अब इसके अपोजिट में मान लीजिए ये डायरेक्टली अपोजिट हो गया इस पॉइंट से, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना इस पॉइंट से, ठीक है, इसका ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपको 60 degree दिया हुआ है। इसका टॉप का जो टावर का टॉप है उसका, ये जो कैनाल है इसके अपोजिट साइड में जो आपका किसी कोई भी पॉइंट है, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 degree दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 meter अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से 20 meter अवे जो इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है, दिस इज सी दिस इज डी, ये जो है ना डिस्टेंस दैट इज 20 meter। तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ये है आपको दैट इज 30 degree, ये आपको है 30 degree, ठीक है। तो क्या कर रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कनाल। तो हाइट ऑफ द टावर दैट इज ए बी एंड विड्थ ऑफ द कनाल दैट इज बी सी, यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं क्या, इन फिगर लेट ए बी द टावर, ठीक है, बी द विड्थ ऑफ कैनाल, ओके। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, एंड डी इज अनदर पॉइंट दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो सो वी हैव टू फाइंड व्हाट, ए बी एंड बी सी, ये मुझे फाइंड करना है, एंड राइट। तो अब क्या करते हैं, आप दो ट्रायंगल है दैट इज ए बी सी और ए बी डी, दो ट्रायंगल निकालिए, इक्वेशन निकालिए क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, 10 60 degree इक्वल ए बी एंड बाय बी सी, ठीक है। तो 10 60 degree का वैल्यू क्या होता है, दैट इज √3 इजकल टू ए बी बाय बी सी, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, दैट इज ए बी इक्वल बी सी √3, रहने दीजिए इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं दैट इज ए बी डी में। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी यहाँ से क्या है 10 30, ठीक है, 10 30 degree इजकल टू ए बी एंड बाय बी डी, राइट, ये हमने लिखा। तो 10 30 degree का वैल्यू डालिए, दैट इज 1/√3 इजकल टू क्या होगा,
ए बी एंड बाई बी डी। बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ बी सी एंड प्लस सी डी, या आप लिख सकते हैं दैट इज़ बी सी प्लस सी डी। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, दैट इज़ ए बी रूट थ्री इजकल टू बी सी जो है, इसको तो वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो लिखिए बी सी एंड प्लस सी डी। सी डी जो है आपका 20 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ भी लिख दीजिए 20। ठीक है, अब क्या कीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी ए बी, यहाँ पे जैसे लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको नहीं भी लिखेगा तब भी काम चल जाएगा, दैट इज ए बी की जगह पे बी सी रूट थ्री रखिए, बी सी रूट थ्री इंटू रूट थ्री इजकल टू बी सी प्लस 20, राइट। तो क्या होगा, दैट इज थ्री बी सी इजकल टू बी सी प्लस 20। इसको आप बी सी को राइट साइड में ले आइए, दैट इज थ्री बी सी माइनस बी सी इजकल टू 20, दैट इज टू बी सी इजकल टू 20। ठीक है, आप यहाँ से कट कीजिए, दैट इज़ क्या होगा, बी सी इक्वल 20 बाय 2, तो बी सी इजकल टू कितना होगा 10 मीटर। ठीक है, बी सी इजकल टू 10 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये बी सी आ गया, हमें क्या फाइंड करना था, ए बी एंड बी सी, बी सी तो हो गया, ए बी का वैल्यू फाइंड करना, तो ए बी इजकल टू क्या होता है, बी सी रूट थ्री, ए बी इजकल टू बी सी रूट थ्री, दैट इज 10 रूट 3 मीटर। देयरफॉर ये आ गया दोनों हंस आंसर। ठीक है, यही आपको क्या फाइंड करना था, दैट इज़ ए बी एंड बी सी आपका ट्रायंगल्स था, सारा चीज़ था। ठीक है, इस ढंग से मैंने इसको फाइंड कर लिया, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग के सामने है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मान लीजिए 7 मीटर का क्या है, एक बिल्डिंग है, ये है आपका 7 मीटर का एक बिल्डिंग। ठीक है, और एक और क्या है, टावर है जो कि थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ये ओके, ये टावर है इसको, ठीक, ये मान लीजिए दिस इज ए बी एंड दिस इज सी एंड डी, ए बी जो है आपका बिल्डिंग है, ये टावर है। अब यहाँ से कोई खड़ा है, एक बार ऊपर देखा, इससे एक बार नीचे देखा, ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना इस पॉइंट से, दैट इज 60 डिग्री, यहाँ से ये जो है, ये है 60 डिग्री, तो यहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल भी डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इसका 60 डिग्री, और यहीं से जब नीचे देखा तो हो गया 45 डिग्री, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर दैट इज डी सी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं ई। ठीक है, आप देखिए आपका क्या हो गया, ए बी और ई सी और बी सी और ए, सारा क्या है, एक पैरेललोग्राम का निर्माण करता है। ठीक है, हमें पहले लिख लेते हैं इन, देखते हैं बिल्डिंग का, ये देखिए ये आपका 7 मीटर दिया हुआ, ओके, यहाँ दिया हुआ इन फिगर लेट ए बी बी द, देखिए ये थोड़ा सा लिखना ज़रूरी होता है ताकि पता चल जाए जो हमने किस चीज़ को क्या माना है, बिल्डिंग ऑफ 7 मीटर है ना, डी सी बी द टावर, डी सी क्या है, टावर है आपका, ओके, एंड ई इज ए पॉइंट बिटवीन देम, और क्या क्या है आपका, ए बी पैरेलल दैट इज सी ई एंड ए ई पैरेलल बी सी। ठीक है, राइट, देयरफॉर ए बी सी ई इज अ रेक्टेंगल,
ओके देयर फोर ए बी इक्वल सी ई दैट इज 7 मीटर। पहले ये डिसाइड कर लीजिए, तो ये 7 मीटर हो गया, ये ही यहाँ से ये मान लीजिए, ठीक है ओके। इसे भी नहीं कर सकता है, यहाँ पे देखिए ये 45 है, ये 90 है, ये 45 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। चलिए उसे यहाँ देख लेते हैं, ए बी इजकल टू सी बी, सी इजकल टू कितना हो गया, दैट इज 7 मीटर। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी और ई, ए सी ई, अब देखिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो गया एच, ये हो गया क्या आपका, ये चूँकि ए सी ई में 10:45 ले लीजिए, दैट इज 10:45 इजकल टू क्या होगा, इसके अपोजिट साइड दैट इज ई सी, ई सी बाई ए, ठीक है, तो 1 इजकल टू ए ई सी, इसी की जगह पे क्या रखिएगा, दैट इज 7 बाई ए रखिए, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ए इजकल टू कितना हो गया 7 मीटर, ए आ गया, ए आ गया 7 मीटर, राइट। अब निकालते हैं नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई में क्या देखिएगा, दैट इज 10:60 डिग्री, 10:60 डिग्री इजकल टू डी ई बाई ए ई, 10:60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दैट इज √3 इजकल टू डी ई बाय ए, ए की जगह पे यहाँ पे हमने 7 निकाल दिया, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दैट इज डी ई इजकल टू 7√3 मीटर, ये क्या वैल्यू आ गया, दैट इज डी ई का वैल्यू आ गया, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, डी सी फाइंड करना है, चूँकि डी सी विद द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, तो हमें लिख लेंगे दैट इज डी सी इक्वल डी ई प्लस ई सी, डी ई का वैल्यू यहाँ से हमने निकाला है, दैट इज 7√3 प्लस 7 दैट इज 7√3 प्लस 1 मीटर डी सी, ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ टावर, राइट, तो ये मुझे फाइंड करना था, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो ये मुझे फाइंड करना था, दैट इज हाइट ऑफ द टावर। यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. मान लीजिए क्या है कि एक सी बह रही है समुद्र, ठीक है, ये वाटर बह रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई समुद्र है, अभी छोटा बना है समुद्र, थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे मान लीजिए एक लाइट हाउस है, ये है लाइट हाउस, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें, ठीक है, लाइट हाउस जो है ना दैट इज 75 मीटर, ये आपका है 75 मीटर का फ्रॉम द सी लेवल, ये जो है ना सी लेवल से, इस पॉइंट से ये जो है सी लेवल से 75 मीटर हाई पे है, ध्यान रखिएगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो दो शिप्स है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी होगा तो इसका हॉरिजेंटल लेवल के साथ बनेगा, तो मान लीजिए एक शिप यहाँ पे है और एक शिप जो है वो यहाँ पे, ठीक है, दो शिप है जिसका एंगल ऑफ जो आपका डिप्रेशन है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है, तो देखिए 30 डिग्री जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका किसका है, इसका है, मान लीजिए फर्स्ट शिप है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री दिया है, और जो सेकेंड शिप है ये, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपका 45 डिग्री दिया है, ठीक है, मान लीजिए ये ए बी, ये आपका सी लेवल्स ऊपर है, ये सी एंड ये आपका डी,
ठीक है, ये पॉइंट है दो शिप्स का। ओके, इफ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दो, तो दो शिप्स मान लीजिए एक सी है डी है, इसके बीच में आपको क्या फाइंड करना है, दैट इज डिस्टेंस फाइंड करना, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं उसके बाद कुछ स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये अगर 45 डिग्री है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, और ये अगर 30 डिग्री है तो यहाँ के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन फिगर लेट ए बी बी द लाइट हाउस, ठीक है, सी एंड डी आर टू पॉइंट्स ऑन द सी वेयर शिप आर सीन, ठीक है, एंगल दिया हुआ, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड बी सी डी, दैट इज सी डी फाइंड करना, राइट right? ये कर दिया। अब दो ट्रायंगल में हम निकालते हैं क्या, फर्स्ट से इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या होगा, 10 45 डिग्री इक्वल ए बी बाई बी सी, 10 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, दैट इज 75 बाई बी सी, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर, राइट, ये आपका बी सी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दैट इज इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या होगा, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इजकल टू, 10 30 डिग्री इजकल टू क्या होगा, दैट इज ए बी एंड बाय बी एंड डी, ए बी बाय बी डी, ठीक है, इजकल टू ए बी की जगह पे आता है 75 लिखिए, इसको आप बी सी प्लस सी डी रख सकते हैं, दैट इज़ बी सी एंड प्लस सी डी, अब बी सी का वैल्यू डाल दीजिए, दैट इज़ 75 बाय 75 प्लस सी डी, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कीजिए, 1 बाय √3 इजकल टू 75 बाय 75 प्लस सी डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दैट इज़ 75 √3 इजकल टू 75 प्लस सी डी, ठीक है, तो सी डी जो होगा क्या होगा, सी डी इजकल टू 75 √3 -75, दैट इज 75 √3 -1, यही हो जाएगा सी डी आंसर। ठीक है, यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, आराम से निकल गया। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब की 3 क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, तो स्टार्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद अ विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब क्या करते हैं, मान लीजिए एक गर्ल है, ये दिस इज ए बी, ये एक गर्ल है, इसका हाइट आपको दिया हो 1.2 मीटर, इसका पैर जहाँ होगा उससे आप हॉरिजेंटल लेवल खींच लीजिए, ठीक है, और इसके आईज से, ये जो मान लीजिए आई है ना, इसको भी पहले हॉरिजेंटल लेवल खींच लीजिए, इसके आई से एक कोई बैलून है, इस बैलून का जो ना डिस्टेंस है एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर, वो आपके इसके पैर से दिया गया, ठीक है, ये जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है
दैट इज 60 डिग्री, क्या है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और हाइट को कांस्टेंट मानते हुए, मान लीजिए ये डिस्टेंस ना यहाँ तक कवर किया, तो इसी आइज से है ना इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 30 डिग्री। ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट है ये है आपको 88.2 मीटर, राइट। ए बी मान लीजिए गर्ल है, ठीक है। सी डी जो है इसका फर्स्ट इंस्टेंट है और ई एफ जो है वो इसका सेकंड इंस्टेंट है, ठीक है। ये चूंकि आपका इसी ए बी के हॉरिजेंटल लेवल में हमने खींचा, वर्टिकल आपका पैरेलल लाइन खींचा, दैट इज ए पैरेलल यहाँ से एफ तक दे दिए, इसको मान लीजिए जी और इसको मान लीजिए एच। तो ए के पैरेलल हमने बी एच एक लाइन खींचा, ठीक है। जब ये लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, दैट इज डी जी पैरेलल एफ एच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एफ एच आपका कितना हो जाएगा, दैट इज देखिए यहाँ पे ई एफ जो है ये ई एफ टोटल है 88.2 मीटर, ये आपका सी डी ये टोटल है 88.2 मीटर, इसमें से ए बी पैरेलल सी जी हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू सी जी हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, और यहाँ से ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, ठीक है। तो आपका डी जी कितना हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, और यही हाइट क्या हो जाएगा एफ एच का भी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान क्या होगा, ए के पैरेलल हमने बी एच खींचा और ए बी के पैरेलल जो है वो सी जी हो जाएगा, तो ए बी इक्वल सी जी हो गया इक्वल एच ई हो गया, जितना हाइट ये था उतना ही हाइट ये हो गया, ठीक है। ये लाइन आ गया, आपको डिस्टेंस दैट इज़ डी और एफ का फाइंड करना है, तो डी एफ जो होगा वही जी एच होगा, तो आप जी एच का भी निकाल लेते हैं, तभी डी एच जो है आपका डी एफ का आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इन फिगर पहले लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। इन फिगर क्या फिगर में लिखा हुआ, लेट ए बी इजकल टू गर्ल ऑफ 1.2 मीटर, ठीक है। सी डी इजकल टू 88.2 मीटर, है ना। सी डी इजकल टू ई एफ इजकल टू 88.2 मीटर, राइट, ठीक है। हमने क्या खींचा, ए ड्रॉ ए ई पैरेलल बी एच, ठीक है, एंड ए बी पैरेलल सी जी पैरेलल ई एच, देयरफॉर डी जी इजकल टू डी सी माइनस सी जी, ठीक है। दैट इज 88.2 माइनस 1.2, तो डी जी जो है दैट इज 87 मीटर, ठीक है। तो डी जी आपका 87 मीटर आ गया, तो देयरफॉर एफ एच इजकल टू 87 मीटर, ये आ गया, आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड डी एफ, ठीक है। डी एफ फाइंड करना, ये डिस्टेंस डी एफ इक्वल जी एच, ठीक है। अब क्या करते हैं, दो ट्रायंगल हो गया, ठीक है, बस या तो जी एच फाइंड कर ली, वही डी एफ हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल बी डी जी, यही तक क्वेश्चन का मेन थीम था, ये समझ गए तो आपका बन जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री इजकल टू डी जी बाई बी जी, टेन 60 का वैल्यू हो गया रूट थ्री इजकल टू डी जी, है ना, डी जी बाई बी जी, तो बराबर 87 बाय बी जी। तो यहाँ से आकर क्या निकल के आ गया, दैट इज बी जी इजकल टू 87 बाय रूट थ्री मीटर, इसको रहने दीजिए,
ये हमने बी जी का वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, बी एच निकालते हैं। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी एफ एच क्या होगा, टेन 30 डिग्री इजकल टू एफ एच बाय बी एच। टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इजकल टू एफ एच दैट इज 87 बाय बी एच। ठीक है, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, दैट इज बी एच इजकल टू 87√3। बी एच को आप बी जी प्लस आप जी एफ बी जी प्लस जी एच लिख सकते हैं, इसको आप लिखिए, दैट इज बी जी प्लस जी एच इजकल टू 87√3। अब बी जी का जो वैल्यू है वो यहाँ से आप पुट कर दीजिए, ठीक है, दैट इज 87/√3 प्लस जी एच इजकल टू 87√3। अब जी एच आपका है ना, 87√3 को राइट साइड में ले जाइए, तो जी एच इजकल टू 87√3 माइनस 87/√3। अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 87 × 3 और माइनस 87 इजकल टू क्या हो जाएगा 261 माइनस 87/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 174/√3। ओके, तो ये किसका वैल्यू आ गया, जी एच का, तो ये जो हो जाएगा दैट इज 58 × 3/√3 दैट इज 58√3। तो जी एच इजकल टू 58√3 मीटर। ठीक है, देयरफॉर डी एफ इजकल टू 58√3 मीटर है ना, दैट इज द दिस इज द डिस्टेंस दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसको आराम से देख लीजिए, राइट ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। एक क्या है, स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक है ना, एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, और इसी के हाईवे के किसी भी जगह पे एक टावर खड़ा, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, वो क्या हुआ, ऑब्जर्व से कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ये जो है ना, ये इससे इसका जो डिप्रेशन है, ठीक है, वो है इसका 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। और ये कार जो है ना, मान लीजिए ये जो है ना, ये है ए बी, ये आपका कार है, ठीक है, सॉरी टावर है, और सी जो है एक कोई पॉइंट है जिस पे उसने कार को देखा, जहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसका 30 डिग्री बना, ठीक है। 6 seconds लेटर, जो 6 seconds लेटर जो है, कार जो है खिसक करके इसके फुट की तरफ चुके बढ़ रहा है, तो इधर से ये इधर की ओर बढ़ रहा है, तो 6 seconds के बाद मान लीजिए ये कार जो है ना, वो यहाँ से खिसक करके डी तक आ गया, ये 6 seconds में सी डी का डिस्टेंस, ओके। और यहाँ पे इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, और इसी यूनिफॉर्म स्पीड से डी से बी तक का जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। मुझे पता है कि सी से डी तक जाने में उसको 6 seconds लगा है, डी से बी तक जाने में उसको कितना सेकेंड लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। और आपका एंगल जो है, आपका डिप्रेशन जो है आपको दिया हुआ है,
ठीक है। तो क्या करते हैं, आप क्वेश्चन पहले ये ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है तो ये जो है होगा कितना डिग्री हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री, और यहाँ से अगर 30 डिग्री है तो ये जो हो जाएगा दैट इज 30 डिग्री। ये तो ठीक है क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है, राइट। मान लेते हैं इन फिगर, यहीं पे लिखते हैं इन फिगर, लेट ए बी बी द टावर, ठीक है, सी एंड डी आर टू पॉइंट्स ऑफ द कार बीइंग ऑब्जर्व्ड, बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है, आ गया दो पॉइंट। तो आपका क्या है, ये दिया हुआ है ना, टाइम टेकन बाय कार टू कवर सी डी इक्वल 6 सेकेंड, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू कवर बी डी, ये हमें बी डी को टाइम टेकन कितना लगा वो हमें फाइंड करना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए, तो ये जो है ना स्पीड जो है गिवन, आपका गिवन है स्पीड जो है ना दैट इज यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब समझते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, यानी यहाँ पे जो स्पीड था वही स्पीड यहाँ भी है, ठीक है। अगर स्पीड चेंज हो जाता तब तो ठीक है, वो आपको निकालने में थोड़ा सा अलग वैल्यू आता, और इस यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्पीड आपका चेंज नहीं हुआ, ठीक है, यानी यहाँ पे जो स्पीड है वही यहाँ पर भी स्पीड है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी लिखते हैं, ए बी डी क्या होगा, 10 60 डिग्री इजकल टू ए बी बाय बी डी, 10 60 डिग्री का वैल्यू है √3 इजकल टू ए बी बाय बी डी, राइट। तो आपका क्या होगा, दैट इज ए बी इजकल टू बी डी √3, ठीक है, ए बी इजकल टू बी डी √3। तो आप बी डी निकाल दीजिए, दैट इज बी डी इजकल टू ए बी बाय √3, ये निकाल लीजिए, बी डी हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में आते हैं, है ना। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, 10 30 डिग्री इजकल टू ए बी बाय बी सी, 10 30 का वैल्यू है 1 बाय √3 इजकल टू ए बी बाय बी सी जो है ये हमने रहने दिया, ओके। तो यहाँ पे आपका आ गया क्या, दैट इज बी सी इजकल टू ए बी √3, ठीक है। देखिए बी डी इजकल टू ए बी बाई √3, बी सी इजकल टू ए बी √3, ये दो चीज़ आ गया। हमें क्या करना है, ये सी डी का चूंकि आपको दिया हुआ है, सी डी का आपको क्या दिया हुआ है, आपका टाइम दिया हुआ, तो हम पहले सी डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या निकालिए, दैट इज सी डी, तो आपका क्या होगा, दैट इज बी सी माइनस बी डी इक्वल सी डी, तो सी डी इजकल टू बी सी आपको दिया हुआ दैट इज ए बी √3 माइनस ए बी बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, दैट इज सी डी इजकल टू क्या होगा, यहाँ से एलसीएम लीजिए, √3 आएगा, ये आएगा 3 AB और माइनस AB, तो यहाँ से सी डी इजकल टू 2 AB बाय √3, ठीक है, ये आ गया सी डी। चलिए आप देखिए, अब हमें
क्या करना है, बी डी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, सारा चीज़ आ गया, लेकिन हमें फाइंड करना है टाइम टेकन। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या होता है ये हमें क्या निकल के आ गया, दैट इज़ ये आपका डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, तो डिस्टेंस बाई टाइम जो है वी नो दैट, वी क्या ना नो क्या जानते हैं, वी नो दैट डिस्टेंस बाई टाइम इजकल टू क्या होता है, स्पीड। ठीक है, ये होता है आपका रूल्स। चूंकि स्पीड जो है इस केसेस में दोनों में सेम है, तो जो आपका सी डी को कवर करने में जितना जो स्पीड था वही बी डी को कवर करने में हो, तो सी डी के लिए क्या निकला है, सी डी के लिए हमारा डिस्टेंस वो है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज सी डी। ठीक है, बाय टाइम, टाइम यहाँ पे क्या है, सी डी को कवर करने के लिए आपका 6 सेकेंड है ना, इजकल टू आपका क्या होगा, बी डी बाई टी, मान लेते हैं कि इसको कवर करने में उसने टी सेकेंड ले जाते, टी हमने मान लिया, सी डी का वैल्यू क्या होगा, दैट इज देखिए दैट इज सी डी है ना, के जगह पे जो वैल्यू है दैट इज 2AB बाई है ना √3, दैट इज 6√3 इजकल टू बी डी की जगह पे क्या है, देखिए बी डी की जगह पे क्या है, ए बी, दैट इज ए बी बाई √3। ठीक है, अब इसको √3 से √3 कैंसिल, दैट इज यहाँ पे देखिए 2 यहाँ से कट कर दीजिए 3, तो क्या हो जाएगा, दैट इज टी इंटू ए बी √3 इजकल टू ए बी √3 इंटू 3। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे टी है तो क्या होगा, टी इजकल टू 3√3 ए बी बाई ए बी √3, ये से कैंसिल, √3 से कैंसिल, तो टी इजकल टू कितना, 3 सेकेंड। टाइम कितना लग गया इसको, 3 सेकेंड। तो ये जो है ना लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर बी डी इजकल टू 3 सेकेंड। ओके, इसको यहाँ पर भी आप क्रॉस कर सकते थे, क्या दैट इज √3 से √3 कैंसिल और 2 से 6 कैंसिल। ठीक है, तो टी इजकल टू 3 आ जाएगा, वहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब एक ही क्वेश्चन बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, उसको सॉल्व करते हैं तभी एक्सरसाइज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, देखिए वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पे आप देखिए आपका है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। एक आपका टावर है, मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक, ये ए और ये बी, इसी के फुट से 2 डिस्टेंस दिया हुआ है, एक आपका 4 मीटर का, इसको मान लीजिए सी है, ठीक है, एक ये एंगल बन रहा है, और एक और जो कि इसी स्ट्रेट लाइन में एक डी पॉइंट है, ठीक है, ये ओके, यहाँ से बी सी का डिस्टेंस आपको 4 मीटर दिया हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ से आपका 9 मीटर दिया हुआ है यहाँ तक का, राइट, बी डी आपको 9 मीटर दिया है, ये तो 90 डिग्री है ये, और कह रहा है कि दो जो एंगल बन रहा है वो कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि 2 एंगल्स को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री देगा, तो एक को हमने अल्फ़ा माना, तो इसको हम लोग को क्या होगा, 90 माइनस अल्फ़ा, चूँकि 2 एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या देता है, दैट इज़ कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है इफ़ 2 एंगल्स आर एडेड देन देयर वैल्यू इज़ 90 डिग्री, अगर ये अल्फ़ा हो गया तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, इतना तक हो गया, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो हाइट है टावर है इसका हाइट दैट इज 6 मीटर, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए दो आपका फिगर बन गया, इसको लिख लेते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखते हैं लेट इन फिगर
ए बी बी द टावर, ठीक है। बी सी यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए, हाँ बी सी इजकल टू 4 मीटर एंड बी डी इजकल टू 9 मीटर, ठीक है। एंगल ए सी बी इजकल टू अल्फ़ा, एंगल ए डी बी इजकल टू 90 माइनस अल्फ़ा। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ए बी इजकल टू 6 मीटर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, टेन अल्फा इजकल टू ए बी बाय बी सी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ टेन अल्फ़ा, ए बी का वैल्यू जो है तो मालूम नहीं है, बी सी का वैल्यू मालूम है, दैट इज़ 4, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे दैट इज़, ये रहने देते हैं इतना ही, ठीक है, ओके। अब निकालते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी क्या होगा, टेन 90 माइनस अल्फ़ा इजकल टू ए बी बाई बी डी। तो 10 90 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू होता है, दैट इज़ कॉट अल्फ़ा, तो यहाँ लिखिए सी ओ टी कॉट अल्फ़ा इजकल टू ए बी तो मुझे मालूम नहीं है, बी डी मालूम है, दैट इज़ 9, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट, इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 10 अल्फ़ा है, यहाँ पे कॉट अल्फ़ा है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑन मल्टीप्लाइंग वी क्या प्राप्त करते हैं, दैट इज 10 अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से, दैट इज ए बी बाई 4 इंटू ए बी बाई 9, तो क्या होगा, दैट इज 1 इजकल टू ए बी स्क्वायर बाई 36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ए बी स्क्वायर इजकल टू 36, तो ए बी इजकल टू क्या होगा, रूट 36, तो ए बी इजकल टू क्या होगा, दैट इज 6 मीटर, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ए बी का हाइट जो है आपका 6 मीटर होगा, जो कि हमने प्रूफ कर दिया इस ढंग से, बहुत ही इजी था, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो आप इसको दोबारा देख लीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के बारे में आपको जो भी कमेंट है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ठीक है। इसमें जो भी आपका अगर कुछ क्वेरीज होगा, सारा चीज़ होगा, सजेशन होगा, उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा जो हाइट एंड डिस्टेंस है, इसका एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।